साथियों बीते डेढ़ दशक से नीतीश जी सुशील जी और उनकी टीम समाज के इस सबसे कमजोर वर्ग के आत्मविश्वास को लौटाने का भरपूर प्रयास कर रही है विशेष तौर पर जिस प्रकार बेटियों की पढ़ाई लिखाई को पंचायत राज सहित स्थानीय निकाय में वंचित शोषित समाज के साथियों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है साल 2014 के बाद से तो एक प्रकार से बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का करीब करीब पूरा नियंत्रण ग्राम पंचायत या स्थानीय निकायों को दे दिया गया है अब योजनाओं की प्लानिंग से लेकर अमलीकरण तक और उनकी देखरेख का काम उसका जिम्मा अब स्थानीय निकाय स्थानीय जरूरतों के हिसाब से कर पा रहे हैं यही कारण है कि अब केंद्र और बिहार सरकार के साझा प्रयासों से बिहार के शहरों में पीने के पानी और सीवर जैसी मूल सुविधाओं के ढांचे में निरंतर सुधार हो रहा है मिशन अमृत और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत बीते चार पांच सालों में बिहार के शहरी क्षेत्र में लाखों परिवारों को पानी की सुविधा से जोड़ा गया है आने वाले वर्षों में बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां हर घर पाइप से पानी पहुंचने लगेगा ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बिहार का गौरव बढ़ाने वाली बात होगी आपने इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोरोना के इस संकट काल में भी बिहार के लोगों ने निरंतर काम किया है बीते कुछ महीनों में बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में सत्तावन लाख से ज्यादा परिवारों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है इसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान ने भी निभाई है हमारे हजारों श्रमिक साथी जो कोरोना की वजह से दूसरे राज्यों से बिहार लौटे उन्होंने ये काम करके दिखाया है जल जीवन मिशन की ये तेजी बिहार के मेरे इन परिश्रमी साथियों को ही समर्पित है बीते एक साल में जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश में दो करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं आज देश में हर दिन एक लाख से ज्यादा घरों को पाइप से पानी के नए कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है स्वच्छ पानी मध्यम वर्ग का गरीब का न सिर्फ जीवन बेहतर बनाता है बल्कि उन्हें अनेक गंभीर बीमारियों से भी बचाता है साथियों शहरी क्षेत्र में भी बिहार के लाखों लोगों को शुद्ध पानी के कनेक्शन से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है पूरे बिहार में अमृत योजना के तहत लगभग 12 लाख परिवारों को शुद्ध पानी के कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य है इसमें से करीब 6 लाख परिवारों तक ये सुविधा पहुंच चुकी है बाकी परिवारों को भी बहुत जल्द स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है वो इसी संकल्प का हिस्सा है